वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल अलीजा व्लॉग्स। और ये पहला व्लॉग है जो मैं केरला आने के बाद अच्छे से ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज हम लोग जो जगह पे विजिट करने वाले हैं वो है मदर्स वेज प्लाजा। मदर्स वेज प्लाजा, ये बहुत ही ज़्यादा तिरुवनंतपुरम में फेमस होटल है। आपको उल्टा नाम दिख रहा होगा क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी अंदर जाते हैं, आपको इंटीरियर दिखाते हैं, खाना दिखाते हैं, सब दिखाते हैं। और मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अलीज़ा व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। Serving this, guys. This is an So they are serving the sabzi item. Sada. Isko kushari bolta hai. ये क्या खा रहे हो आप? वाह, इतने सारे आइटम्स। हाँ बोलो, अभी क्या खा रहे हो आप? मैं भी सद्या। अच्छा, केरला की स्पेशलिटी। इतनी सारी आइटम्स है इसमें? और भी आइटम्स है, पता नहीं मेरे को। अच्छा। अभी एग्जैक्टली पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम नहीं, मैं खा चुका हूँ, बट टाइम हो गया है खा के। और पत्ते पे जो खाने का एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही। आपको अच्छा लगता है? राइट गाइस, तो मेरा सद्या यहाँ पे सर्व हो गया। और मैं सबसे पहले पापड़ पे ही थोड़ा हाथ साफ कर लिया हूँ। और यहाँ पे दाल, ये दाल चावल लेना है ना, और ये तौरन है अभियल है, और ये क्या बोलते हैं, बीट रूट की सब्जी,
सांभर और भी बहुत सारे आइटम है यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या, खा के बताते हैं आपको। दाल चावल इज ऑसम गाइस। ये अवियल या बीटरूट की सब्जी, सांभर और भी बहुत सारी डिशेज है। पापड़ देखो कैसा दिया है। आयसु ये है फर्स्ट सेट ऑफ स्वीट, इसको अड़ा पायसम बोलते हैं, और इसको खाना पड़ता है बनाना के साथ, अच्छे से स्क्वीज करके खाना पड़ता है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्वीट्स विच इज सर्व्ड इन मैरिजेस एंड विच इज सर्व्ड इन एनी फेस्टिव ओकेशंस ऑफ केरला। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट delicious sweet. All right guys, ये सब में स्पेशलिटी है कि चार तरीके के मीठे हमें मिलने वाले। ये फर्स्ट लॉट है मीठे का, हमें जैसे जैसे हम बाय द टाइम हम लोग खाते जाएंगे वैसे वैसे हमें एक एक के देते जाएंगे। तो ये फर्स्ट है यहाँ पे। ये इन्होंने बोला है कि ये स्वीट में बनाना मैश करके स्क्वीज करके खाओ। लेडीज पिकल रायता, मूंग दाल सब्जी, पाइनएप्पल प्लस रायता, ऑल मिक्सड अवियल वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोटैटो। This is korma, right? Potato curry. Curry, okay. Alu plus sabji. Number one, dal. Number two, sambar. Sambar. Number three, four different dishes. It's so sweet. One by one. Okay. Next, one portion rice, three portion divide. Okay. Rasam, gadi, buttermilk, three liquid item. Liquid item, okay. Four rice mixer. So, guys, जैसे कि आप देख सकते हो, this one, आप देख सकते हैं गाइस, जैसे कि अलग अलग तरीके पिकल्स है, अलग अलग तरीके के माउथ वाटरिंग डिलिशियस साइड आइटम्स है जो आप खा सकते हो। अब मैं फिलहाल रिलिश कर रही हूँ अड़ा पायसम, इसको बोलते हैं, इसके साथ बनाना के साथ अच्छे से स्क्वीज करके खाया जाता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेशलिटी ऑफ केरलाई फूड। सच में गाइस यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस लग रहा है। आप भी यहाँ पे एक बार आके जरूर ट्राई कीजिए। मैंने आपको इंटीरियर अच्छे से बताया नहीं क्योंकि थोड़ा बड़ा हुआ था, अभी थोड़ा खाली हो गया, मैं एक बार वापस बताऊँ, ठीक है? तो अलीजा अभी अलीजा के लिए अलग मील है, सद्या लिया है, किड्स मील है, उसका किड्स मील है बच्ची के लिए। अभी हम लोग मीठा खाने के बाद आपको मिलते हैं, बहुत सारी चीजें एक एक साथ कवर करना मुश्किल है, ठीक है? मैं मिलता हूँ बाद। ऑल राइट गाइस, तो हमारे सेकेंड लॉट का मीठा सर्व हो गया, चार और दो बचे, और ये किसे क्या बोलते हैं, ये कड़ाला पायसम है, और इसे पापड़ के साथ स्मैश करके खाना पड़ता है। और अभी तक मैं दूसरा चावल भी लूंगा क्योंकि यहाँ पे देखो मेरी सब्जियाँ कुछ बची हुई है। ये बहुत अमेजिंग है, ये मैंने खाया है, ये मैंने सब खत्म कर दिया है, मेरे को सब सेकेंड सर्व हुआ है। ये साफ बहुत सारे अच्छे पर ये थोड़े अचार है ना, बहुत खट्टे, तो मैं ज़्यादा खा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा खा रहा हूँ। मेरे को अचार वैसे भी ज़्यादा पसंद नहीं है,
बाकी सब चटनी है सब बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे केला वेला, और डैडी को तो थर्ड पाइसम सर्व भी कर दिया, डैडी तो खत्म भी कर दिया। डैडी सुपर फास्ट खा रहे हैं, क्या कहते हैं? भूख लगी है बेटा, बहुत भूखा हूँ, ऐसे खाने के लिए मैं जन्म जन्म से भूखा हूँ। ओके, तो आयुष आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अलीजा उसी पे अटकी हुई है, फर्स्ट में चलो जल्दी जल्दी खाना पड़ता है गाइस यहाँ पे, क्योंकि आपकी सर्विस बहुत फास्ट है। चलो मैंने थर्ड और फोर्थ पाइसम अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि मेरे को पूरा अपना पहले नमकीन चावल खत्म कर लेंगे, पहले खाकर ये सब खत्म करो, फिर लास्ट में थर्ड और फोर्थ खा रहा हूँ। बाकी सबका फिनिश हो गया, मैं ना स्लो स्लो खा रहा हूँ यहाँ पे। और अलीजा को तो देखो, इसको तो ऐसा लग रहा है शुरू ही नहीं। हाँ पहले वो टेस्ट करो और फिर मीठा खाओ। हाँ मैंने मीठा खाया ना। ऑलराइट गाइस, तो मैंने थोड़ा चावल भी खा लिया, अभी मैंने सब खत्म कर दिया वापस। और ये जो सेकंड पाइसम था वो मैंने सेकंड पाइसम तक आपको दिखाया, फर्स्ट पाइसम हमने बनाना स्क्वीज करके खाया, सेकंड हमने पापड़ के साथ खाया, पर ये थर्ड है बीटरूट का। बीटरूट के पाइसम में कोई आपको ऐसा कुछ है नहीं, आपको पापड़ के साथ खाना पड़ेगा या फिर बनाना के साथ। आप इसे कैसा भी खा सकते हो, बनाना पापड़ कुछ जो भी, आप अपने खुद की कॉम्बिनेशन कस्टमाइज करके खा सकते हो, या फिर आप इसे रुखा भी खा सकते हो। ओके तो अभी ये फोर्थ पाइसम है, ये फोर्थ पाइसम देखो यहाँ पे मीठी बोड़ी बोड़ी इसे बोड़ी बोलते हैं, और ये है सिवैया पाइसम, इसे दोनों को मिला के खाते हैं। फोर्थ पाइसम है, थर्ड है। मीठों की तो बरसात ही हो गई आज, मेरे को तो मजा ही आ गया। मैं पापड़ के साथ खा रहा हूँ, आप चाहो तो इसे ब्रीट रूट वाले को बनाना के साथ भी खा सकते हो। और यहाँ पे ये तीन तीन हमें सर्व किया था, ये लास्ट में पीने के लिए छाछ है, बटर मिल्क और ये पता नहीं क्या है, खा के पी के बताते हो। कड़ी वो अंकल ने बोला था, कड़ी है ये, और ये रसम है, लास्ट में पिया जाता है। और अलीजा देखो बैठी हुई है, कुछ खाया भी है इसने? खा रही। इसका अभी तक वन पाइसम ही चल रहा है, फर्स्ट पाइसम धीरे धीरे मान धीरे धीरे। और होटल अभी देखो थोड़ी थोड़ी एम्प्टी हो रही है, क्योंकि इसका 3 बजे बंद हो जाती है ये रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे फटाफट खाते हैं और आपसे मिलते हैं। और इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यहाँ पे आके कितना रिव्यू बनाए, आप सब तो जानते होंगे। ये बहुत ज्यादा फेमस होटल है तिरुवनंतपुरम में और पूरे केरला में। यहाँ पे बनाना चिप्स भी मिलता है, सब चिप्स विप्स भी यहाँ पे। फिर देखो सातो डैडी सादत, देखो देखो। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको ये खत्म करने के बाद। तो अफराज आपका एक्सपीरियंस कैसा था और स्वीट्स और सब खाके, स्वीट्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक पैक स्वीट देते गए, अभी तो मेरे को लगता है कि मेरे को एक हफ्ते के बाद कोई स्वीट खाने की जरूरत नहीं है, मेरा मुंह पूरा स्वीट से भर चुका है, स्वीट ओवरलोड हो गया है। पर ये शुगर वुगर ऐसा कुछ ऐसा हार्म नहीं करेगा, क्योंकि ये स्वीट भी हेल्दी से बना हुआ है, दाल से बना हुआ है, जैगरी दाल, ये सब दाल के ये सब बना है पाइसम, और पाइसम हेल्दी होता है, सेहत के लिए भी अच्छा है। ठीक है कोई बात नहीं, खा लेंगे। यहाँ पे मैंने अभी तक ये सब पिया नहीं है, सब पीऊंगा फिर आपको मिलूंगा। मेरा पेट सच में, मेरा स्वीट माउथ भी ओवरलोड हो गया है, मेरा पेट भी ओवरलोड, सब ओवरलोड हो गया है। ओवरऑल थम्स अप, थम्स अप नहीं, 100 thumbs भी है खाने के लिए, कम है। Okay. बहुत अच्छा खाना बनाया। ऑलराइट गाइस, तो अलीजा हमेशा की तरह कुछ खाती नहीं है, देखिए सब छोड़ दिया उसने, उसका पेट भर गया। मैं समझ सकता हूँ वो बच्ची है, वो कितना खाएगी, तो मैं सोचा कि मैं खा लेता हूँ उसका, क्योंकि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे आप आओ और अगर खाना खाना शुरू करो तो मेरी तो यही रिकमेंडेशन होगी कि आप पूरा जो जितना भी है बनाना लीफ पे जितना भी चीज़ आपको सर्व है वो सब खत्म, अचार भी बचाए ना,
पसंद नहीं है इसीलिए मैंने बचा दिया। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं? ये फंस गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो लोगों को नहीं मालूम है खाने के सद्य के प्रॉपरली बारे में, अंकल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे हम सबको और जानकार बना रहे थे कि किस कैसे खाने को किस तरीके से खाते हैं केरला के कल्चर के हिसाब से। And he is very humble and he is attending everybody. So guys, I think this is one of the best customer service that you can receive in Kerala, especially for a sadhya food. If you are interested, please come here and you can meet him and he will tell you how and exactly what the things are. He will explain you in a very good manner. So please come here at least once. We will upload the link in the description box. Okay? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. तो जब आपका मील खत्म हो जाए देखो कुछ भी नहीं है खत्म वैसे हो गया अब हट जाओ और हाथ खोलो। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे ये होटल का पूरा इंटीरियर है, ये पूरा एसी है, पूरा एसी है और आपको ये ज्यादा ठंडी भी नहीं लगेगी ना ही गर्मी, रूम टेम्परेचर मेंटेन करके चल रहा है ये एसी, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब एसी काम कर रहा है। और एक बात बता दूँ आपको, ये होटल आपको खाली इसलिए दिखेगी क्योंकि ये एंड टाइमिंग पे अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर मैं शुरुआत में आपको आके बताता तो आपने देखा होगा ये पूरा चेयर भरी हुई थी, सब पूरा होटल में भरा हुआ था। और आयसु देखो ये पूरा इंटीरियर देखो, अभी होटल थोड़ी एम्प्टी है क्योंकि हम ये एंडिंग टाइम हो चुका है ऑलरेडी, तो एंडिंग टाइम है 3 बजे बट अभी 3:30 हो गया है क्योंकि कुछ लोग अभी भी बचे हुए, देखो कैसे बंद हो जाता है ऑटोमेटिक है ये देखिए। To reserve a ticket at Thiruvananthapuram railway station. और अभी हम लोग मदर्स वेज प्लाजा से निकल चुके हैं। सद्दो देखो बहुत मस्ती की, बहुत कुछ खाई साथ में। बहुत ही पुरानी मस्जिद है गाइस, इसका सही व्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि बस खड़ी हुई है। ये चर्च है, ये चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति है, ये इसका व्यू बराबर निकालो बेबी। हाँ अभी आया बराबर, ये है बहुत ही पुराना चर्च, ये लैटिन चर्च है। थिरुवनंतपुरम पट्टम रिजर्वेशन काउंटर आने के लिए और अभी अभी हमारी कैब जा रही है और अभी हम लोग रिजर्वेशन काउंटर आ चुके हैं, अब देखते हैं कि किधर है आज। तो दोस्तों सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, मैं सोच रहा हूँ कि ना डेली लाइफ कंटेंट अपने घर में भी शुरू करूँ। आपको ये आइडिया कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे वीडियो बनाऊँ और अभी तो हम लोग जा रहे हैं पट्टन रिजर्वेशन काउंटर में, हमें टिकट रिजर्व करनी है डैडी की। डैडी वापस आ रहे हैं बॉम्बे क्योंकि डैडी का कोई ज़रूरी काम वहाँ पे रह गया है, तो डैडी वापस जा रहे हैं, उसकी टिकट हमें बुक करनी है और फिर हम लोग जाएंगे सीधा घर। नानी एक्चुअली थोड़ा रेस्ट कर रही है क्योंकि नानी चर्च जाके आई थी तो हम लोग वहाँ से निकले थे, नानी बहुत ज़्यादा थक गई थी इसीलिए हमारे साथ आ नहीं पाई, वरना नानी आती ही थी हमारे साथ। अभी तो चलो टिकट बुक करते हैं।
फिर आपसे मिलते हैं, और अगर कोई इधर जूस वूस मिल जाए तो वो भी देखते हैं, ठीक है? चलो क्या हुआ वैसे कि मिशन काउंटर में आए थे, क्या हुआ? वो पट और कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं हो पाए, बंद है काउंटर। ओके, कभी और जाना पड़ेगा शायद। मैं बहुत थक गया हूँ, हम लोग घर जाए। घर ही तो जा रहे, गाड़ी में भी हम लोग कल आएंगे गाइस, कल हम आके बुक करेंगे। अब ये ले, अभी तो घूमना है आपको घर, ठीक है? उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा मदर्स वेज वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अलीज़ा व्लॉग्स। और ऐसे ही मज़ेदार और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को मैं टारगेट रखता हूँ 350 लाइक्स का। अगर आप 350 लाइक्स कर दिए तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको ऐसे अमेजिंग होटल्स और कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ बी अलर्ट।